ठंडा पानी है दोस्तों, तो ना गर्म पानी में जो भी इसका कोई फेस होता है तो फ्रेश फ्रेश महसूस होता है। ठंडा पानी से क्योंकि ठंडा पानी इसको हमारा धोने से पूरा चिपक गया है। कैसे चिपका है दिखा? वाह कितना अच्छा हुआ है। दे ले, धो ले इसे। तो चलिए दोस्तों, इस पानी से हम मुंह धोते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? तो स्वागत है आप लोग को फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है दिन शनिवार और आज 19 तारीख है। बहुत दिन से हम लोग ब्लॉग नहीं डाले थे क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा काम आगे चुका था, तो इसलिए हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। तो आज हम ब्लॉग फिर से स्टार्ट किए हैं। आज से डेली बेसिस पे ब्लॉग आएगा। देखिए यहाँ पे ना, ये अभी क्या कर रही है, अभी सुबह का 7 बज रहा है और ये सुबह के 7 बजे में देखिए, ये तरबूज लाया हूँ मार्केट से, तो इसको ये काट रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, आज के नाश्ते में क्या है, आज के नाश्ते में ये तरबूजा है। जो साला तरबूजा बहुत खराब दे दिया था, पका नहीं है, कच्चा दे दिया है। वो महंगा महंगा दिया है, हम लोग इधर ना 20 रुपये किलो है, तो ये और ज़्यादा महंगा दिया, 25 रुपये किलो के हिसाब से। ज्योति को ना ज़्यादा ही तरबूज खाने का मन था, तो कहीं मिल नहीं रहा था तो मैं ले लिया। और यहाँ पे ना आज नाश्ता में दही चूड़ा खाने वाले हैं। बहुत दिन से इसको दही चूड़ा खाने का मन कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे। और ये रहा, ये दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना, ये गुड़ है, देख सकते हैं ये गुड़ है। और यहाँ पे चूरा फुला रखी है पानी में, और ये दही है। दही अच्छे से जमा नहीं लगता है, जम गया है, ये छाली है, थोड़ा छाली है ये। सा दूध था उसी को जमाया। तो देखिए कुछ इस बहुत तरह से कच्चा है। तरबूजा भी बहुत ज्यादा कच्चा दे दिया है, लाल रहता तो और ज्यादा टेस्टी लगता। ये एक ही दिन में खाने वाला है ना, पक जाएगा ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ना, ये ज्योति का ये जो पौधा था ये फूलने लगा है, देख संतरे सकते का हैं। ये संतरा का पौधा है, देख नहीं, जब सकते हैं। फरेगा तो पता चलेगा किस चीज का अभी है। पता नहीं, अभी इसको पता भी नहीं है दोस्तों कि किस चीज का ये पौधा रोपी बहुत है। सारे चीज का बिया गया था उधर, नींबू का था, संतरे का था, पता नहीं क्या उगा है। वाह वाह। तो देखिए दोस्तों, आज का मौसम कितना साफ लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये। और ये ना खेत में पानी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अभी खेत में पानी। अब कौन सा सीजन है डालने का? मूंग का है, तो अब ना मूंग इसमें रोपाएगा। मूंग आ गया है, सिंचाई हो रहा है। ओ, ये सिंचाई हो रहा है। हाँ, इसमें मूंग डाला हुआ है, बड़ा बड़ा भी हो गया है। वाह। और देखिए ये है मेरा आज का दही चूड़ा, देखिए कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है। ये हम लोग इधर का वो रसिया बोलते हैं इसको, रसिया नहीं, गुड़ डाल दी इसलिए पीला पीला है। देखिए हम लोग इधर के ना, जब छठ वट होता है तो उस समय रसिया बनता है ना, तो ऐसा लग रहा है ये देखने में। तो देखिए दोस्तों, ये तरबूज देखने में ना लाल लग रहा है, लेकिन लाल नहीं है दोस्तों, ये ठग दिया हमको, कम लाल है। कम लाल है। तो ना काटा वाला चम्मच ले आना। आज दुकान वाले ना ठग दिया है, लाल बोल के व्हाइट दे दिया। और ये देखिए कितना अच्छा है। अब ये देखिए ये क्या में खा रही है, भीख मांगने वाला कटोरा में खा रही है, इसका आदत है ये। क्या बोलते हैं इसको? इसको कटोरे को, ये बेकिंग कटोरा है, इसमें केक बेक करते हैं। तो ये केक बनाने वाला लगता है कि थाली के कमी हो गया, जो केक बनाने वाला मैं खा रही है, इसको अच्छा लगता है इसको। छोटा सा है। तो दोस्तों, हम नाश्ता वास्ता कर लिए हम लोग। अब ये देखिए अकेले बड़बड़ा रही है, कैसे पता नहीं क्या 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 बड़बड़ा रही है। क्या बड़बड़ा रही है ना? तो दोस्तों, हम आ गए अपने दुकान से, और अभी ना टाइम जो बज रहा है 1:30 बज रहा है, और आज ना दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ था, क्योंकि जो 11th क्लास का जो फॉर्म निकलता है उसको हम अप्लाई कर रहे थे, तो इसके लिए ना बहुत ज्यादा लेट हो गया। तभी आया हूँ। तो देखिए अभी खाने में क्या है, दोपहर का ये खाना है, आलू का तो ये सब्जी, आलू का सब्जी है, और इसको बोलते हैं गुटका। ये ना गुटका बोला जाता है दोस्तों, मेरे भाषा में नहीं, उत्तराखंड के भाषा में सौरभ जोशी जो बोलता है, ये बोलता है आलू को गुटका बोलते हैं। और ये देखिए भंडारे जैसा बनाई है ये हलवा, हलवा का देखने बहुत सूजी का हलवा, जितना देखने में टेस्टी लग रहा है ना, उतना ही खाने में टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पे प्याज वाज सब काट के रख दिए। अब ये देखिए कुछ नहीं मिला ना, तो इसको में ये मिलता है, कढ़ाई में ही खाती है, चाहे चॉकलेट बेलना तो जो भी आता है उसी पे खा लेती है, चाहे भीख मांगने वाला कटोरा में खा लेती है। आज तो देखिए थे सुबह में भीख मांगने वाला कटोरा में खा रही, थाली मेरे पास खाली नहीं है, वाली सब रहता है इसका, लेकिन खाती नहीं है। तो दोस्तों, हम खाना वाना पूरा खा लिए हैं, और खा के हम लोग अभी थोड़ा देर लेटे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे नेहा मुंबई से कॉल कर रही है इसके पास, देख सकते हैं ये नेहा है, देख सकते हैं इसको अच्छा से चेहरा वाला देख लीजिए कैसा लग रहा है। शादी होने वाला है, इसका शादी होने वाला है दोस्तों।
और यहाँ पे सोनी जाने के लिए तैयारी कर रही है, यहाँ पे कोचिंग जा रही है सोनी। देखो तो देखिए दोस्तों, सोनी यहाँ पे जा रही है पढ़ने के लिए कोचिंग। अभी जो टाइम हुआ है 2 बज रहा है और 2 बजे सोनी जा रही है पढ़ने के लिए। और यहाँ पे अभी सो रही है, देख सकते हैं। और ये देखिए, और ये इसका ना वीडियो बनाया है, तो ये गरिया रही है। देखिए ये कैसे झांक ली है ये, देखिए। तो दोस्तों देखिए अभी ये क्या बना रही है, अभी ये बना रही है काजू शेक बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, बन गया ये। तो दोस्तों बहुत टाइम मिस हो गया, अभी ना 4 बज रहा है, अभी दोपहर का 4:45 बज रहा है। मैं जो सोया था 2 बजे, और एक ही बार मैं उठा, 2 बजे नहीं दोस्तों, 2:30 बजे मैं सोया था, 2:30 बजे सोया। तो अभी 4:45 बज रहा है, 4 बजे में अभी 15 मिनट देरी है। अभी ना गर्मी बहुत काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी तो मैं उठा हूँ, अभी देखता हूँ कि फ्रिज में बर्फ़ जमा है कि नहीं जमा है। बर्फ़ जमने के बाद ना मैं पूरा फेस अपने पानी से पूरा धोऊंगा। अभी ज्योति भी उठ गई है, देखता हूँ जाके कि ज्योति क्या कर रही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कितना सारा बर्फ़ जमा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये ना पूरा जमा हुआ है, बर्फ़ जमा हुआ है, और इसे ना फेस धोने पे पूरा ठंडा ठंडा महसूस होता है, और बहुत मज़ा आता है फेस धोने में। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है दोस्तों, तो ना गर्म पानी में जो भी इसका कोई फेस धोता है तो फ्रेश फ्रेश महसूस होता है। ठंडा पानी से, ठंडा पानी इसको धोने से चिपक गया है। कैसे चिपका है, दिखा? ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, मज़ा ही बहुत ज़्यादा है। जग से पानी डाल मुँह पे, हाँ मज़ा आएगा। तो दोस्तों हम फेस उस पर धो लिए हैं और बहुत फ्रेश लग रहा है। और देखें यहाँ पे आ गया है मेरे लिए यहाँ पे काजू शेक, देख सकते हैं जो ज्योति बनाई थी। यहाँ पे भी ज्योति पी रही है काजू शेक। तो दोस्तों हम इस काजू शेक के पीते हैं, और पीने के बाद बताते हैं कितना अच्छा टेस्ट बना है इसका। बहुत अच्छा टेस्ट है दोस्तों, और गर्मी का मौसम है ना, ठंडा ठंडा काजू शेक पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए दोस्तों ये भी आ गई है सोनी, देख सकते पढ़ाई करके। और अभी ना जो टाइम आ रहा है वो हो रहा है 4 बजा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 4 बज रहा है, और यहाँ पे सोनी आ गई है। तो दोस्तों मैं जो जूस पी के ना, आम का जूस पीकर मैं चला गया था वहाँ दुकान पे, और अभी मैं आया हूँ, कलेक्शन भी करने चले गया था मैं, और कलेक्शन करके मैं आया हूँ। अभी पूरे 5 बज रहा है, 5 भी नहीं, 5 बजने में अभी 15 मिनट देरी है। तो अभी देखिए इन लोग क्या कर रही है, मैं जब आया तो इन लोग देखिए खीर आज खा रही है। इन लोग ना मीठा खाने का मन कर रहा था, तो ये ना चुपचाप क्या कुछ मिला नहीं तो खुद घर में खीर बनाई और खाना वाला स्टार्ट कर दिया। और ये ना इन लोग लाइन पे ना नेहा से बात कर रही है। देखिए यहाँ एक बात बताना है दोस्तों आप लोग, नेहा का ना शादी है, और ये शादी कब है इन लोग इसका? नेहा के शादी है लेकिन करना नहीं चाहती, देखिए दोस्तों ये। और ये 2-3 दिन से खाना नहीं खाई, पतली दुबली हो गई है, पता सूट क्यों हो गई है, लग रहा हॉस्पिटल में पड़ी है, देखिए कैसे। और 11 तारीख का इसका शादी है, आज ही इसका ट्रेन पकड़ना था लेकिन जा नहीं रही है। मैं लोग गप गप खा रही है, देखिए दोस्तों ये खीर खा रही है। दोस्तों हम इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आप आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी टाइप का मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए बीच में आगे आ जाती है दोस्तों डिस्टर्ब करने के लिए, तो टाटा बोल दो, बाय बाय बोल दो, सब्सक्राइब लाइक फॉलो सब्सक्राइब।